हे गाइस, कैसे हो यार। तो अभी आपने देखा कि मैं कुछ अपने फ़ोन में लाइव वॉलपेपर को जनरेट किया हूँ। मेरे फ़ोन में कुछ ऐसा लाइव वॉलपेपर चल रहा था अभी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप उसी तरीके के लाइव वीडियो वॉलपेपर जनरेट कर पाओगे। जो आपकी गैलरी, आपके फ़ोन पे वीडियोज़ होंगे, उनको आप वॉलपेपर के रूप में कैसे ऐड कर पाओगे। सो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उसको फॉलो ज़रूर करना। सो हे गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं इसके टेक फॉर इंड गेमिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा और यहाँ पे वीडियो वॉलपेपर करके एक ऑप्शन दिया, मतलब ऐप दिया गया है, इसको डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा और मैं आपको पहले बता दूंगा ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। और गाइज, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन को मैं रिव्यू करता हूँ उसको मैं पहले खुद यूज़ करता हूँ और तब आपको बताता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। सो जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन देगा, ऐप को ओपन कीजिए। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे जो एक नंबर पे ऑप्शन आएगा इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हम अपने उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप जो है एज अ वॉलपेपर सेट करना चाहते हो। मेरे पास यहाँ पे कई सारे वीडियोस हैं, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कोई सा भी एक स्पेसिफिक वीडियो चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इस वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको मैं, और यहाँ पे जो टाइमलाइन नीचे दिए गए गाइस इसको मतलब जितना आप कस्टमाइज करेंगे, जितना आप कम ज़्यादा करेंगे, जैसे इसको ऐसे किया तो ये बीच वाला जो पार्ट होगा यही आपके वॉलपेपर के रूप में सेट होगा यहीं से और यहाँ यहाँ तक जो है सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको जितना आप वॉलपेपर लगाना है, अगर आप पूरा लगाना चाहते हैं पूरा भी आप लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हम इतना ही अभी इसको लगा के दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमने 54 सेकंड का इसको ऐड कर दिया है, मतलब 54 सेकंड का हमने इसको कस्टमाइज कर लिया। एंड यहाँ पे एक कॉर्नर पे ऑप्शन आता है, इस वाले ऑप्शन पे हम जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही सेटिंग पे आप जाते हैं तो आपके सामने इसको कस्टमाइज करने या फिर इसके कलर ग्रेडिंग करने का तमाम सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसको क्रॉप कर सकते हो यहाँ से और यहाँ से ऑडियो को डिसेबल इनेबल कर सकते हो। देखिए हम ऑडियो को डिसेबल ही करते हैं, हम इसको यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पे अप्लाई वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे ही अप्लाई आप क्लिक करते हैं तो ये गाइस हमारा वॉलपेपर्स के रूप में सेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम इसको सेट करते हैं, दो ऑप्शन देता है, सेट एज अ लॉक स्क्रीन एंड सेट एज अ स्क्रीन वॉलपेपर। तो ये हम क्लिक कर देते हैं होम वॉलपेपर पे, हमने इसको सेट कर लिया। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अभी के रूप में हमारा वॉलपेपर लग चुका है। सो गाइस इसी तरीके से आप कोई भी वीडियो का वॉलपेपर लगा सकते हो। गाइस कुछ फ़ोन्स थे जो पहले पैनासोनिक के फ़ोन आते थे उनमें फ़ीचर दिया रहता था, और गाइस पैनासोनिक के फ़ोन आजकल मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोग खरीदते हैं, सो उनमें आपको ये फ़ीचर मिला करता था। सो गाइस इसी तरीके से आप अपने फ़ोन पे वीडियो वॉलपेपर को लगा पाओगे। सो अब तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक करना, और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते अगली वीडियो पर।